पापा भाई दाल दोपहर की बनी है, दो दिन पहले बना कर रखी थी। 10 दिन पहले बनाई थी, गरम करके खिला रहा हूँ। कॉमेडियन भाई, पप्पू के घर को अपना घर समझिए, बिल्कुल मत शर्माइए, बिंदास खाते रहिए। कहीं ये नागा इस घर को धर्मशाला समझ के तो नहीं नहलाया? बेचारा बच्चा है, बुरा मत मानना। आओ ये क्या, मेरी प्लेट पूरी खाली है। अरे खाना लाओ। आओ ललिता, खाना लाओ ना। ला रही हूं। पेश आ रही है जैसे सामने शक्ति का पुत्र बैठा हो। लगता है उसका जादू भी खत्म नहीं हुआ है। जल्दी से खाना दे दे ललिता। क्या हुआ, बहुत भूख लगी है क्या? पेट भर के खाना खाना। हाँ अच्छे से खाओ, खाना बहुत है। दादी को कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा है इस पे। मुझे उसकी कॉमेडी फिल्में बहुत अच्छी लगती है। पेट भर के खाना खाना। हाँ मुंह मत देखो, खाना अच्छे से खाओ। मैं तो सिर्फ शक्ति कपूर की फिल्में ही देखती हूँ। वो जैसे आऊ बोलता है ना, मुझे तो बहुत पसंद है बेटा। मेरा दादू कितनी बार जानू सोना करके कितना मस्का लगाता था, पर कभी एक स्माइल भी नहीं दी। और जब इसने शक्ति कपूर का गेटअप बदला तो झट से उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। देखो दादी, अब जाओ यहाँ से, इसे अपना ही घर समझिए। ए डायरेक्टर भाई, इसको यहाँ पर आए 1 घंटा भी नहीं हुआ और दादी को पटा भी लिया। हाँ उठाओ उठाओ, फायदा उठाओ। अब मेरा मतलब वो नहीं है, इसे अपना ही घर समझिए। दादी आओ आओ, अंदर आ जाओ। पूर्णिमा, दादी अंदर है। दादी दादी। हाँ बोलो पूर्णिमा। लक्ष्मी जी के गाय को बच्चा हुआ है, आपके लिए चीक भेजा है। वहीं रख दो बेटा। ठीक है दादी। ये क्या नागा भाई, नीचे तो बंगले जैसा है और ऊपर आकर देखो तो पूरा भूत बंगले जैसा है। जिस काम के लिए हम यहाँ आए हैं ना, उसके बारे में प्लान करने के लिए यही सही जगह है, इसलिए मैं सबको यहाँ लेकर आया हूँ। और एक इम्पोर्टेंट बात मैं सबको बताना भूल गया था, सब लोग ध्यान से सुनिए। हमारे गाँव वालों की नजर में तुम लोग यहाँ सिर्फ फिल्म की कहानी लिखने आए हो। एक और बात याद रखना, तुम लोग यहाँ खजाना निकालने आए हो, ये बात हमारे अलावा किसी और को गलती से भी पता नहीं चलनी चाहिए। और अगर पता चली ना तो हम जिंदा बचकर नहीं जा पाएंगे। तुमसे मिलके ये जाना प्यार होता है दीवाना। तुमसे पप्पू को इस बारे में सब पता है, तुम लोग उसकी टेंशन बिल्कुल मत लो। मुझे सब कुछ पता है, क्यों मेरे राजी होने की वजह से ही तुम लोग शहर से यहाँ हमारे गाँव आए हो। नागा ने मुझे सब कुछ बता दिया है। देखो जैसे हम शहर में रहते थे उसी तरह यहाँ भी बिना संकोच के सभी लोग आराम से रह सकते हैं। हाँ तुम लोगों को मेरे घर ले जा सकता था, पर मेरा घर बहुत छोटा है, इसलिए मेरे दोस्त पप्पू के घर में तुम लोगों के रहने का इंतजाम करना पड़ा। देखो जो भी चाहिए होगा बेफिक्र होकर पप्पू को बता देना, ये मस्त इंतजाम करता है। ये क्या भाई, हम इसे नहीं जानते हैं, कैसे पूछेंगे कुछ कह रहे हो क्या? ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए, पप्पू मेरा दोस्त है, तुम लोग मेरे दोस्त हो, इस तरह हम सब दोस्त हुए। देखो मैं फिर से कह रहा हूँ, खजाने की बात टॉप सीक्रेट है। पप्पू अब मैं चलता हूँ। अतिथि देवो बाबा, हमारे घर में जो भी मेहमान आते हैं उसकी खातिरदारी करना इस घर की परंपरा है, तू टेंशन मत ले, निश्चिंत होके जा। हाँ ठीक है, बाय बाय। क्या भाई, दरियाई घोड़े की तरह पानी से निकलने का नाम ही नहीं ले रहे हो? बाहर आके थोड़ा बदन भी तो घिस लो मेरे भाई, लगता है कभी पानी में नहाया ही नहीं है। तुम कहना क्या चाहते हो, आज मैं पहली बार नहा रहा हूँ क्या जीवन में? अरे मुझे सब पता है, शहर के गटर का पानी जो होता है ना उसे फिल्टर करके नहाते हो, लेकिन हमारे गांव में ये सब नहीं चलता। अगर किसी ने भी ना इस गांव के पानी को गंदा किया और ये बात पता चल गई ना तो तुम्हारी माँ की कसम, नहीं नहीं मेरी माँ की कसम, पानी में पैर भी नहीं रखते। वाह नागा, तो टाइम के एकदम पक्का है। चलो चलो सब लोग नहा लिए ना, अब आ जाओ। अरे आ जाओ, आ रहा हूँ भाई, चप्पल भी नहीं पहनी है, पैर में कांटे चुभ गए ना तो मुश्किल हो जाएगी। अरे कॉमेडियन साहब,
पूरे बदन को अच्छे से रगड़ रगड़ के धोया या नहीं? सिर्फ एक जगह रगड़ नहीं पाया। कहाँ पे? मतलब पीठ रगड़ नहीं पाया। आइए डायरेक्टर साहब, चड्डी भी नहीं लाया हूँ। क्या डायरेक्टर साहब, हमारे गांव में नींद अच्छे से आई ना? कोई परेशानी तो नहीं? हम कौन से शहरी लोग हैं, गांव में वैसे भी अच्छा ही लगता है हमें। तो अपने हीरो को हमारे गांव का वातावरण कैसा लगा? हमारे गांव में एक बार आने के बाद यहां से जाने का मन नहीं करता है ना? सही कहा ना मैंने? गांव तो बहुत अच्छा है यार, लेकिन पहले ये सोचो कि जिस काम के लिए आए हैं वो कैसे होगा। पहले हम सब जंगल में जाकर वो जगह देख लेते हैं, उसके बाद क्या करना है इसके बारे में सोचेंगे। चलो देर मत करो, चलते हैं। ठीक है, चलते हैं। तू साला कभी नहीं सुधरेगा। ए, चल गाड़ी स्टार्ट कर। ए पप्पू, तेरी चड्डी छूट गई रे। अरे प्लीज लेते आना भाई, सूखने के बाद पहन लूंगा। बहुत कांटे हैं, हाँ संभल के चलो। बोलो नहीं, चुपचाप चलो, चुपचाप। हाँ अरे जैसा वो कह रहा है करो, उसे यहाँ के बारे में सब पता है। पप्पू भाई, ये जंगल तो बहुत ही भयानक लग रहा है, यहाँ शेर हाथी वगैरह तो नहीं है? ए, आप भी तो एक हाथी लेकर आए हैं, इसे देख के सारे जंगली हाथी दुम दबाकर भाग जाएंगे। टेंशन मत लीजिए। ये तुम्हारे दोस्त की जुबान बहुत चलती है यार, हर बात को मजाक में लेता है, इसीलिए इसका नाम पप्पू रखे हैं शायद, हमेशा एड़े जैसी बात करता है। बैठना। ए, लगता है उड़ती हुई तीर को अपने पिछवाड़े पे लेने का शौक है इसे, इसलिए दर्द होता है। भाई अगर अपना काम यहाँ पे हो गया ना तो यहाँ एक हॉरर फिल्म शूट करूंगा। हॉरर मतलब? कैसा एक्टर है यार तू, तुझे ये भी नहीं पता कि हॉरर क्या होता है? हॉरर महादेव पता है, पर ये हॉरर क्या होता है? ए भगवान, क्या मुसीबत है यार, अबे तू क्या कर रहा है, आगे चल ना। आ जा रहा है तू? हाँ भाई, मेरे दोस्त शहर से आए, उन्हें जंगल घुमाने के लिए ले जा रहा हूँ। जंगल घूमने के चक्कर में कहीं सभी गुम ना हो जाओ, आगे जाना मना है, नहीं जानता क्या? लेकिन क्यों मना है? ए नागा, इसे तो जरा भी अक्कल नहीं है, कम से कम तुझे तो है ना? भैया वो, और आगे गए तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, सब लाशें बन जाएंगे। यहाँ के खूंखार भूखे जंगली जानवर जो है ना, तुम लोगों को कच्चा खा जाएंगे, जाओ यहाँ से। ठीक है भैया, जंगल में नहीं जा रहे हैं, गांव घूम लेंगे। अगर जीना चाहते हो तो दोबारा मत आओ यहाँ।